और अब नौसा की न्यूज में आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले हलचल। कोलकाता में इलेक्ट्रिक शॉप में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। गुजरात में तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हुई 46 श्रद्धालु घायल। मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। गुजरात के राजकोट में हादसा। गणपति पंडाल के पास स्लैब गिरने से 10 लोग घायल हुए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्राइवेट बस हादसे का शिकार। अनियंत्रित होकर पलची बस हादसे में 22 यात्री हुए घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत। 2 लोगों की आंखों की रोशनी गई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के दौसा में बस ने मारी ऑटो को टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। महुआ से इंडौर जा रही थी बस। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा। अन्याय के विरोध में एसपी सत्संगियों के साथ खड़ी। जनता नहीं सहेगी बीजेपी का धर्म विरोधी बुलडोजर। यूपी के उन्नाव में कुत्तों का आतंक। सड़क पर जा रहे बच्चों पर किया हमला। कुत्ते के हमले से घायल हुआ बच्चा। अस्पताल में इलाज जारी। नालंदा में सास बहू ने एक साथ बैठकर परीक्षा दी। 55 साल बाद पकड़ी कलम। मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के तहत रविवार को महापरीक्षा। केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी आज दिखाएंगे पहली हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी। हरित गतिशीलता की दिशा में बढ़ाकर पहली बार दिए गए विधि रत्न पुरस्कार। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया। सतीश के परासरन फली नरीमन और पूर्व अटर्नी स्वर्गीय सोली सोराबजी को सम्मान। और 9 सेकंड में न्यूज में बात करेंगे खबरें खेल से जुड़ी। एशियन गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड मेडल। 10 मीटर एयर राइफल्स की टीम ने जीता गोल्ड मेडल। रुद्राक्ष पाटिल ऐश्वर्या तोमर और दिव्यांश पवार की टीम को मिली सफलता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी के आयोजन पर जताई खुशी। कहा मोटो जीपी दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी खेलों में से एक। ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी इंडिया ग्रैंड प्रिक्स। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा दूसरे खेलों को बढ़ावा देना अच्छा है। उम्मीद है अगले साल और ज्यादा आएंगे लोग। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरे मैच में शिकस्त दी। 3 मैचों के सीरीज में भारत ने लगातार जीते 2 मैच। दूसरा मुकाबला जीतकर नाम की सीरीज। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा किया रनों का पहाड़। ऑस्ट्रेलिया को मिला था 400 रनों का लक्ष्य। 217 रन पर ही सिमट गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने लगाई सेंचुरी। केएल राहुल और सूर्यकुमार हाफ सेंचुरी लगाए। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहे आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।